subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. बिग बॉस 12 की सबसे कंट्रोवर्शियल जोड़ी में आई हुई सदस्य जसलीन मथारू सभी को बहुत ही अच्छी तरह से एंटरटेन कर रही हैं और लोग उनकी काफी प्रशंसा कर रहे हैं। इसी वजह से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जसलीन मथारू के बारे में 5 अननोन फैक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 5 से। जसलीन मथारू ने अपनी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत करी सिर्फ 11 साल की उम्र से। जसलीन मथारू 11 साल की उम्र में क्लासिकल और साथ ही साथ वेस्टर्न म्यूजिक भी गाती थी। और तो और जसलीन मथारू ने 16 साल की उम्र में खुद के लिए एक टाइटल भी जीता बेस्ट फीमेल सिंगर का एक इंटर कॉलेज कंपटीशन में। जसलीन मथारू के बारे में फैक्ट नंबर 4 ये है कि ना ही जसलीन मथारू एक ट्रेन म्यूजिशियन है पर साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन डांसर भी है। जसलीन मथारू को एक नहीं बल्कि कई डांस फॉर्म्स आते हैं जैसे कि भरतनाट्यम, हिप हॉप और सालसा भी। जसलीन मथारू के बारे में फैक्ट नंबर 3 ये है कि जसलीन मथारू 2014 में एक म्यूजिक वीडियो की पार्ट रह की है जिसे डेडिकेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उस वीडियो का टाइटल था एक भारत श्रेष्ठ भारत और इस म्यूजिक वीडियो के सिंगर और प्रोड्यूसर है रविंद्र सिंह। जसलीन मथारू के बारे में फैक्ट नंबर 2 ये है कि ना ही जसलीन मथारू एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और साथ ही साथ डांसर भी है पर उनको किक बॉक्सिंग में ब्राउन बेल्ट भी मिला है। जसलीन मथारू एक फिटनेस फ्रीक है और पिछले 7 साल से जसलीन मथारू किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिसिंग कर रही है। जसलीन मथारू का सबसे बड़ा नंबर 1 फैक्ट ये है कि अनूप जलोटा जसलीन मथारू से मिले थे जब जसलीन मथारू सिर्फ 4 साल की थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, जसलीन मथारू के पिता केसर मथारू के अनुसार मथारू और जलोटा का परिवार एक दूसरे को 3 डेकेड से जानता है। और तो और जसलीन मथारू जब हार्डली 4 साल की थी तभी से वो अनूप जलोटा को जानती है। तो ये थे जसलीन मथारू के बारे में 5 अननोन और चौंका देने वाले फैक्ट। इसी के साथ मैं तुषाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। टीवी और बॉलीवुड की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए पॉप बॉलीवुड को।